तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिटी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि रियलमी ने अपना रियलमी एक्स अपने इंडिया में लॉन्च कर चुका है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ये एक बजट स्मार्टफोन है, इसका नाम है रियलमी 3i। रियलमी की 3i की अगर खास खासियत की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको नॉच डिस्प्ले और बड़ी बैटरी दी गई है, और इसका प्राइस 8,000 रुपए मतलब 9,999 रुपए, मतलब कोई ज्यादा नहीं है। बजट सेगमेंट के हिसाब से ये मोबाइल ये रेडमी का जो 7a है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए, इसको उसको टक्कर देगा ये रियलमी का 3i। रेडमी का जो 7a है, मैं नोट 7 प्रो या नोट 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेडमी का 7a है और 3i, ये रियलमी का 3i, ये दोनों मोबाइल इस प्राइस रेंज में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ खास बातें कर लेते हैं। रियलमी 3i को 2 वेरिएंट में मार्केट में उतारा गया है। एक है 3GB और 32GB जिसकी कीमत 8,000 रुपए है, एंड एक है 4GB और 64GB जिसकी कीमत 9,999 रुपए है, मीन 10,000 रुपए के आसपास की कीमत रखी गई है। और रियलमी 3i 9.0 कलर OS पे चलता है एंड्रॉइड पाई पर, और इसमें मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगा रियलमी की पहली सेल फ्लिपकार्ट और रियलमी स्टोर पर ऑनलाइन 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहें तो वहां से इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए इसके मेन स्पेक्स के बारे में, तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसका डिस्प्ले। और डिस्प्ले इसमें दोस्तों 720x1520 इंच का दिया गया है पिक्सल डेंसिटी, जिसको अपन कहते हैं। एंड रैम 3GB रैम देगी, एक 32GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज 7,999 रुपए का आता है, एक 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वो आता है 9,999 रुपए का। तो दोस्तों बजट के स्मार्टफोन के हिसाब से ना ये रैम वगैरह सब ठीक ही दी गई है। और दोस्तों इसमें बैटरी की बात की जाए, तो बैटरी दोस्तों इसमें आपको मस्त बैटरी मिलती है जो कि 4230mAh की है, जो कि 8,000 रुपए की रेंज में आपको क्या चाहिए बढ़िया दोस्तों, क्या मिल सकता है यार। और दोस्तों फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का एक सुपर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का। एंड रियर कैमरा में आपको 2 कैमरा सेटअप दिखाई देंगे, एक 13 मेगापिक्सल का प्लस एक 2 मेगापिक्सल का, जो कि इस रेंज में ना फोटोग्राफी को बेस्ट बनाने वाला है। और दोस्तों अगर आपका बजट 8,000 से 10,000 रुपए की रेंज के बीच में है, तो आप इस मोबाइल को बेधड़क परचेस कर सकते हैं, या फिर आप रेडमी नोट 7 की तरफ भी जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको इसको लेना है या इसको। मेरे हिसाब से ना दोनों ही फोन इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में बेस्ट बैठते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही मोबाइल के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को टेक्निकल सिटी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, जिससे आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाओगे।